हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस मुख्य समाचार के वीडियो में। राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, गहलोत सरकार लाएगी नया कानून। राजस्थान में बिजली और खाद का बड़ा संकट, जानिए आज के ताजा अपडेट। राजस्थान के इन 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से ज्यादा हार्ड रहा रेट का पेपर। इंडिया एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 3 दिन भुवनेश्वर और जयपुर के बीच उड़ान भरेंगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी हुआ। अरावली की पहाड़ियों को निगल गए खनन माफिया। कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंची मेडिकल टीम। पिटारा खोलकर महिला बोली, कोबरा से डसवा दूंगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, गहलोत सरकार लाएगी नया कानून। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के लिए बड़े कानूनी प्रावधान करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई गृह विभाग की समीक्षा बैठक में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को असंज्ञेय अपराध के साथ ही गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। साथ ही इसे जुड़ी सजा भी 3 साल को बढ़ाकर 7 साल की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही सरकार अध्यादेश लाएगी। आगामी दिनों में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा और RAS प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी रीट परीक्षा की तरह निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा है कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में बिजली संकट और खाद का बड़ा संकट, जानिए आज के ताजा हालात। दिवाली और रबी सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान में बिजली संकट तथा DAP खाद की कमी ने राज्य सरकार की नींद उड़ा रखी है। राज्य सरकार लगातार स्थितियों को संभालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक हालात संभले नहीं है। गहलोत सरकार के प्रयासों से जहां कोयले की आपूर्ति में कुछ सुधार आया है, वहीं DAP खाद की पूर्ति आगामी दिनों में बढ़ाए जाने का आश्वासन मिला है। इन दिनों में किसानों के साथ ही आम लोगों को भी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। वहीं प्रदेश में सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में खाद के लिए किसानों को मारामारी मची हुई है और कहीं जगह झगड़े भी सामने आ चुके हैं। कोयले की कमी ने सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। सीएम अशोक गहलोत लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और इन स्थितियों को नियंत्रण में रखने की कवायद की जा रही है। सीएम गहलोत ने निर्देश पर यहाँ अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के बिसलापुर और सिंगरौली में तैनात किया है, ताकि वहाँ से कोयले की रैंक भेजा जा सके। वहीं HACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने भी हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बात की है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान के इन 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। मानसून की विदाई से पहले राजस्थान में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम तंत्र में आए बदलाव के कारण राजस्थान में आज और कल बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम बनने और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राजस्थान के कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है। इसके कारण तेज हवाएं चलने के साथ ही 16 जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के कारण पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इससे हल्की सर्दी हो सकती है। दिवाली के बाद ताजा सर्दी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव के कारण राजधानी जयपुर समेत इस संभाग में अलवर, टोंक, दौसा और इस छठ भरतपुर जिले में भी बारिश के आसार है। इसके साथ ही भरतपुर संभाग के किरोली और सवाईमाधोपुर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सेकावटी के सीकर, झुंझुनू, हाड़ौती संभाग के कोटा, बूंदी व झालावाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में भी बारिश के आसार हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपके शहर में हो रही है अभी बारिश तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले से ज्यादा हार्ड रहा रीट का पेपर। रीट 2021 का एग्जाम शनिवार को अलवर शहर में 2 सेंटरों में हुआ। जयपुर, अलवर, नागौर व सीकर सहित कई जिलों से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर पिछली बार से हार्ड रहा। पिछली बार की तुलना में अभ्यर्थियों के कम अंक आएंगे। इस कारण स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग भी है। उनका कहना है कि इस पेपर में साइको व सब्जेक्ट के प्रश्न पहले की तुलना में कठिन रहे हैं। इन 2 सेंटरों में करीब 600 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर को अलवर के निमराणा के मांडन में पेपर देरी से पहुंचने के कारण अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया था। इसके बाद बोर्ड ने एग्जाम की 2 तारीख 16 अक्टूबर तय की थी। उस आधार पर अब ये परीक्षा हो गई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 3 दिन भुवनेश्वर और जयपुर के बीच उड़ान भरेंगी। हवाई यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो उड़ीसा के भुवनेश्वर से राजस्थान के जयपुर से जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर को शुरू करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने यह जानकारी दी है।
चले दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू। त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कर दी है। रविवार को डुंगला के मंगलवाड़ा क्षेत्र में अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामकेश गुज्जर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिंहान की टीम ने डुंगला के मंगलवाड़ा कस्बे में विभिन्न फर्मों का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल सेलेक्ट किए हैं। रामकेश गुज्जर ने बताया कि डुंगला के भोड़ा रोड से रवि सट के अनाज के बड़े गोदाम से पुलिस की मौजूदगी में ठकी चना का सैंपल लिया गया है और परम स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज से सरसों का तेल, भैरवनाथ फास्ट फूड से ब्रेड पाव का सैंपल लिया गया, मंगलवाड़ा चौराहे से मूंगफली का तेल, जय मेवाड़ ब्रांड का सैंपल इकट्ठा लिया गया है। CMHO ने बताया कि जांच के लिए सभी सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लेकर राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवा दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अरावली की पहाड़ियों को निगल गए खनन माफिया। 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अरावली की 200 से 400 फीट ऊंचे पहाड़ पूरे खत्म हो जाएंगे। जमीन में 50 से 70 फीट तक गहरे कुएं खोद दिए जाएंगे, फिर इन पहाड़ों की जगह तालाब ले लेंगे और यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगेंगे। अब इन तालाबों में नहाने जाते हैं लोग, डूबने से कई की मौत भी हो चुकी है। यह सब हो रहा है अलवर के भिवाड़ी चौपाने की टपुखेड़ा सहित आसपास की अरावली की पहाड़ियों में। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली पर्वतमाला है जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यहाँ 2004 से पहले पहाड़ थे, आज 60 से 70 फीट गहरे तालाब हैं। विश्वास नहीं होता है लेकिन सच्चाई तो यही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंची मेडिकल की टीम, पिटारा खोलकर महिला बोली कोबरा से डसवा दूंगी। अजमेर जिले के नोगलेवा गाँव में एक महिला ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम को सांप दिखाकर डरा दिया। महिला सबेरन थी जो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं थी, बार बार टीम को सांप दिखाकर डरा रही थी, टीम के ऊपर सांप छोड़ने की धमकी दे रही थी। मामले की जानकारी जैसे ही बाकी ग्रामीणों को मिली सभी मौके पर पहुंचे, फिर महिला को समझाया गया, तब जाकर महिला ने वैक्सीन लगाने को तैयार हुई। दोस्तों ये थी राजस्थान की खबरों के बारे में जानकारी। राजस्थान की और खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब और वीडियो का कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।